सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है खजूरी खास का पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन जो बनाया जा रहा है। कौन कौन से लेवल पर देख सकते हो, अभी ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों। और प्लेटफॉर्म लेवल पर देख सकते हो सारे पिलर बन चुके हैं। अब उस पर जो आपको बायोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये बायोडक्ट अब ऊपर रखा जा रहा है क्रेनों के द्वारा दोस्तों। तो अभी इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और आगे अगर हम सीधे सीधे जाते हैं तो दोस्तों सोनिया बिहार का मेट्रो स्टेशन आएगा पिंक लाइन का। फिर उसके बाद में दोस्तों हिंड ये यमुना रिवर का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। और ये सीधी बुराड़ी होते हुए और ये आपका निकल जाएगी आगे के लिए। तो यहाँ से हम आपको बता दूं कि पीछे चलेंगे, यानी कि यमुना बिहार और आपका भजनपुरा होते हुए दिखाएंगे आप सभी को कि डबल डेकर पिंक लाइन किस तरीके से बनाई जा रही है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो आप लोग फ्लाईओवर से भी देख सकते हो दोस्तों। देखो ये दो तीन पिलर का बायोडक्ट रख दिया है इन्होंने, जोड़ दिया है। अब ये बारह पिलर बचे हो, इन पर पियर कैप लगाए जाने हैं दोस्तों। ये देख सकते हो ये फ्लाईओवर के किनारे किनारे इनमें सारे में ही पियर कैप अब लगाए जाने हैं दोस्तों। पियर कैप लग जाने के बाद में फिर इसका जो बायोडक्ट है ऊपर का, वो क्रेनों द्वारा रखा जाएगा दोस्तों। तो अभी जैसे जैसे हम उतरेंगे, देखो ये पिलर अभी बनाया जाएगा दोस्तों, आगे के भी पिलर बनाए जाएंगे इस पिंक लाइन के। और देखो ये पाइलिंग मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है जो कि यहाँ पर पाइल कर रही है, क्योंकि यह यहाँ से राइट में ये आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ से आपको बता दूं कि ये डबल डेकल पिंक लाइन का 1.4 किलोमीटर लंबा बायोडक्ट बनाया जाएगा दोस्तों, डबल डेकर। कि एक साइड में तो भजनपुरा है और दूसरी साइड में दोस्तों यमुना बिहार है, उसी के बीच में देख सकते हो। यहाँ पर ये आधे पिलर बन के कम्प्लीट हो गए हैं, आधे अब बनाए जाएंगे क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों। तो आधे पिलर पहले ही बना लिए गए थे, अब आधे अब बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कहीं कहीं इन्होंने कुछ बायोडक्ट, ये एक पिलर का बायोडक्ट को यहाँ पर जोड़ दिया, देख सकते हो ये सेगमेंट रख दिया इन्होंने। इसी तरीके से रखे जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों। और ये भजनपुरा अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये डबल डेकर पिंक लाइन बनाई जा रही है दोस्तों, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी होने वाली है। तस्वीरें देख सकते हो, इसके ये पिलर बन चुके हैं और इस पर पियर कैप का काम भी हो गया दोस्तों। अभी इसके कौन कौन ये इसके सेगमेंट को अभी जोड़ा जाएगा दोस्तों, दोनों साइडों में अभी निकाले जाएंगे, क्योंकि ये मेट्रो का भी पिलर देखो इसमें ही कन्वर्ट कर रहे हैं, जो बिंग्स को ऐड करने का काम है। देखो दोनों साइड के ये बिंग्स बनाने का काम चल रहा है दोस्तों, पर यहीं पर ये बनाया जा रहा है डबल डेकर पिंक लाइन, देख सकते हो। ये देखो डबल डेकर पिंक लाइन का, ये देखो गाटर लॉन्चिंग कर रहे हैं। और गाटर लॉन्चिंग आपको बता दूं चौड़े से हैं थोड़े, बस इन पर पता क्या किया जाएगा, इन पर डायरेक्ट ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। कुछ ऐसे ही ये गाटर बनाए गए हैं डबल डेकर के दोस्तों। सबसे ऊपर आपको बता दूं दोस्तों पिंक लाइन मेट्रो चलेगी, मेट्रो दौड़ा करेगी, बीच में बांध दौड़ा करेंगे और उससे नीचे भी बांध दौड़ा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसको बनाने का सोचा, डबल डेकर पिंक लाइन मेट्रो बनाई जा रही है दोस्तों इस भजनपुरा और यमुना बिहार के बीच में दोस्तों। आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गोकुलपुरी, गोकुलपुरी का रेड लाइन का स्टेशन। ये भी रेड लाइन नहीं, पिंक लाइन ही है शायद। तो देखो ये पिलर बन गए, ये देख सकते हो दोनों साइड के बिंग्स को भी बना लिया जा चुका है। और ऊपर को प्लेटफॉर्म जो क्या नाम है, ऊपर के जिस पर मेट्रो दौड़ेगी वो भी देख सकते हो दोस्तों, उस पर भी इन्होंने पियर कैप बना लिए दोस्तों। अब इन पर बस सेगमेंट रखना बाकी रह गया है। और इस पर डबल डेकर पर दोस्तों इस पर गाटर लॉन्चिंग करनी बाकी रह गई है। तो अभी बहुत मंदा काम चल रहा है दोस्तों इस पर पिंक लाइन पर भजनपुरा साइड में दोस्तों। तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। देख सकते हो ये यहाँ पर लिए लॉन्चर लगा हुआ है, जो इसके मेट्रो का जो आपको बता दूं पियर कैप है वो लगाया जा रहा है।
इसी के द्वारा दोस्तों। देखो इन पे अब पियर कैप लगाए जाएंगे और विंग्स को भी इनको ऐड किया जाएगा डबल डेकर के लिए दोस्तों। देखो ये डबल डेकर बन रहा बनाया जा रहा है, तो कहाँ तक बनाई जा रही है ये पिंक लाइन डबल डेकर मेट्रो दोस्तों। देखो बस यहाँ पर ये लास्ट पिलर हो जाता है और फिर इसके बाद में ये यमुना विहार स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही ये गोकुलपुरी का स्टेशन आ जाएगा, वो भी आप लोग देख लो क्योंकि तेजी के साथ में यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों। और इस पर देख सकते हो अभी पियर कैप बनाए जाने हैं और इधर ये यमुना विहार का दोस्तों मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा, तो उसी के विंग्स को ये ऐड करने का काम चल रहा है दोस्तों। इनके विंग्स बनाए जाएंगे और ऊपर का मेट्रो को पिलर भी बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा दोस्तों लेफ्ट में ये कर्व ले लेगी क्योंकि बीच में ये फ्लाईओवर आ रहा है, तो इसी वजह से ये लेफ्ट में कर्व लेके और देख सकते हो कि फाउंडेशन बना दिया है। फाउंडेशन बना के और इसमें लोहे के सरियाओं का जाल इन्होंने खड़ा कर दिया है। अब इनमें क्या करना है, इनमें रिंग लगाए जाने और रिंग लगा के दोस्तों इनको कंक्रीट से भर दिया जाएगा। देख सकते हो ये लेफ्ट में चल रही है ना, इन पर भी पियर कैप बनाए जाने हैं और जब इसको फ्लाईओवर को क्रॉस करेगी तो उस पर उस पिलर पर ऊपर ही ऊपर ये जोड़ने का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ऊपर ही ऊपर इसका वो बना देंगे रैंप, ऊपर ही ऊपर बनाते चले जाएंगे दोस्तों। देखो ये बना रहे हैं, ये इसी तरीके तो ऊपर ऊपर बनाते रहेंगे और फिर ये राइट में क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, इधर की साइड में ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा और सामने आप लोगों को गोकुलपुरी का स्टेशन चमक रहा है। ये पिंक लाइन ये भी है गोकुलपुरी। तो आप सभी बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो आप लोग बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।